बीते एक वर्ष के भीतर लगातार जो है छोटे छोटे बच्चों में भी काफ़ी प्रतिभा और हुनर देखने को मिलता है। कुछ साल पहले एक सोनू का वीडियो वायरल हुआ था जो देश दुनिया ने देखा और अभी काफ़ी बड़ा मुकाम जो है वह हासिल कर रहा है। ऐसे में हमारे साथ एक और शख्स है जो नेत्रहीन है, जो आँख से देख नहीं सकता है और आवाज़ सुनकर सभी चीज़ों का बारीकी से जवाब भी देता है। ऐसे में हम अभी मुजफ्फरपुर ज़िले के हरसेर गांव में है और एक जो है जीनियस कोचिंग सेंटर चलता है, उसी में यह पढ़ाई करता है। हम सोशल मीडिया पर देखे, इसके बाद इसे संपर्क करने की कोशिश किए और आज जो है इनसे मिल गए हैं। क्या लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है? ठीक है, ठीक। खाना पीना हुआ है? हाँ। क्या क्या चीज़ खाया? दाल भात भुजिया। अच्छा। पापा जी का नाम क्या है? उवेल जीतन सनी। जीतन सनी पापा का नाम है? हाँ। आपका नाम? चरण। अच्छा, कै साल है उम्र? नौ साल। अच्छा, क्या बनना है आपको? डॉक्टर। डॉक्टर, डॉक्टर बन के कथी करिएगा? उसको सक दौड़े रहेंगे, इलाज करिएगा उसका। हाँ। यहाँ पे पढ़ने में मन लगता है? लगता है, लगता है। सर जी कथी कथी सिखाते हैं? ABCD। और क्या क्या चीज बताए? पहाड़ा। दोस्त मदद करता है आपको? हाँ। पापा कथी करते हैं? सौदा बेचता है। क्या क्या चीज सौदा में बेचते हैं पता है? हाँ, गोभी बैगन सा। अच्छा, गांव में घूम घूम के? हाँ ना, बाजार में। बाजार में। आपका देखभाल कौन करता है? दाई। दाई? हाँ। दाई के साथ रहते हैं? हाँ। कैसा लग रहा है अभी हमसे बात कर रहे हो तो? ठीक। ठीक लग रहा है? हाँ। तुम्हारा एक वीडियो देखे थे? हाँ। सर जी डाले थे तुम्हारा वीडियो? हाँ डाले हैं। क्या क्या चीज आता है? खाली पहाड़ा। वन टू गिनो तो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बस इतना ही आता है? हाँ। दो के पहाड़ा? दो का दो, चार दो दस, छः दो छः का आठ, दो पंच दस, दो छः को बारह, दो चौदह, दो सोलह, दो अठारह, दो एक बीस। आगे भविष्य में डॉक्टर ही बनना है आपको? हाँ। सपना है? हाँ। कै बजे आया जाता है कोचिंग? 9 बजे। अभी हमारे साथ जो है चरण थे और उसको जो है पूरी तरह से पढ़ाते हैं कमल यादव है और उनके साथी जो है ये भी शिक्षक है, ये भी इनको पढ़ाते हैं। क्या क्या चीज़ अभी पढ़ रहा है? कितना दिन से यहाँ पर पढ़ने आता है? 1-2 महीना से। और 1-2 पहाड़ा वहारा सब इसको आता है। अरे पापा मम्मी क्या कहते? पापा मम्मी कुछ नहीं पढ़ रहा था, कमल भैया गया तो बुला के लिया, उसके बाद इसे यहाँ पर पढ़ रहा है। हर दिन क्या आता है? नहीं, कभी कभी बीच कर देता है, कोई लाता है तो आता है, ना तो रह जाता है घर पे, लाना पड़ता है। इसको कैसे पढ़ाते हैं, मतलब याद करवाते हैं? कराते हैं, लिखने कुछ नहीं आता है, मुंह से हम बोलते हैं तो यह पढ़ता है, ना तो नहीं। ऐसे नहीं याद होता है लगातार? एक मतलब कितना दिन से यह पढ़ता है? 2-3 महीना। और देख सकते हैं बिहार में अलग अलग टैलेंट जो है युवाओं के बीच में देखा जाता है। ऐसे में जो है हमारे साथ एक युवक था जिसको जो है आँख नहीं है, नेत्रहीन है, हालांकि जो है ये पढ़ने में काफ़ी टैलेंट जो है इसके प्रति दिख रहा है और लगातार सरकार भी जो दावे करती है कि हम युवाओं के लिए, छोटे छोटे बच्चे के लिए जो नेत्रहीन है उनको जो है हम हर एक सुविधा देते हैं, ऐसे में जो है इस बच्चे को भी ज़रूरत है। और यह जो लोकेशन है मुजफ्फरपुर ज़िले के हरसेर गांव में इसका घर पड़ता है और हम भी ऐसा करते हैं कि इसको जो है कुछ मदद मिले ताकि यह भविष्य में आगे बढ़ चढ़ कर कुछ समाज हित में कुछ करे, अपने माता पिता का नाम रोशन करे। ऐसे ही खबर देखने के लिए YouTube चैनल पर बने रहे ताकि हर एक अपडेट आपको मिलता रहे। तब तक लिया दीजिए, जय हिंद जय भारत। और दबाएं बेल आइकन हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।